नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज वीडियो नहीं बना पाई हूँ, कोई न ब्लॉगिंग का न खाना का, तो इसके लिए आप सब माफ करना। अगर दोस्तों आज हमारा वीडियो आप तक न पहुँचता तो आप सब पूछते कि संगीता वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो शायद मैं एक एक करके सभी भैया दीदी का जवाब भी नहीं दे पाती और आप सब भी परेशान होते थोड़ी देर के लिए, और मैं भी न पढ़ पाती आप सबका कमेंट। तो पहली बात इसके लिए माफ़ करना जो मैं आज वीडियो कुछ नहीं बनाई हूँ, सिर्फ आप सबसे थोड़ी सी बात करने आई हूँ। तो दोस्तों मैं आज एक हफ्ते से ज़्यादा इस मतलब झेल रही हूँ इस समस्या से कि एक एक करके हमारे सभी बच्चे मतलब चारों बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो वैसे दवा से अंजलि भी ठीक हुई, गुंजन भी ठीक हुई और शीतल भी ठीक हो गई, तो दोस्तों इन सबको मतलब बुखार ही हो रहा है, लेकिन चंदन का बुखार नहीं ठीक हुआ। तो दोस्तों आज मैं चली गई थी चंदन के मतलब जांच कराने, और डॉक्टर बोले कि बुखार नहीं छोड़ रहा है तो इनको ले जाओ बाहर कहीं जांच कराओ। तो दोस्तों आज हम गए थे और जब जांच करवाए हैं तो जांच में टाइफाइड बुखार निकला हुआ है, और इस बात से मतलब कुछ घबराहट तो हो ही रहा है कि कैसे करेंगे क्या होगा। तो तीन हफ्ते का दवा डॉक्टर बोले हैं करवाने के लिए, और एक दिन गैप करके सुई भी लगवाना पड़ेगा। तो यही सब बात है दोस्तों, और यही बात कहना था हमको। तो थोड़ा जी घबरा भी रहा है क्योंकि ऐसा मतलब बुखार ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे चारों बच्चों को एक साथ में बुखार आ जाए, और पहली बार हुआ है दोस्तों। और अभी चंदन यहाँ साइड में लेटे हुए हैं, तो यहीं पे हैं दोस्तों, यहाँ पर लेटे हुए हैं चंदन यहाँ पर। और तो मन भी नहीं किया वीडियो बनाने का, और अभी अभी हम सब अस्पताल से आए हैं तो थोड़ा सा मैं दिखाई हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी दोस्तों। और इनका तबीयत अब भी ख़राब है, बुखार जब दवा खाते हैं तब तक बुखार ख़त्म रहता है, जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो बुखार फिर तेज़ी से हो जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। और देखते हैं, दवा तो करवाएंगे दोस्तों किसी न किसी तरह, और आप सब दुआ करना हमारा भैया जल्दी से ठीक हो जाए। और जो मतलब यही होता है ना, बच्चों को कुछ ना हो और हम सबको उस बदले में हो जाए कुछ भी तो अच्छा रहता है। अगर बच्चे को जितना दुख होता है उतना माता पिता को भी दुख हो जाता है, तो वही हाल हमारा है दोस्तों। मैं बहुत परेशान हूँ, आज कुछ करने का मन भी नहीं किया, वीडियो भी बनाने का मन नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं सोची कि अगर कल वीडियो नहीं जाएगा तो कमेंट में हमारे कई भैया और हमारे कई दीदी यही बोलेंगे संगीता जी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही सब कहना था, बाकी और कुछ नहीं। तो थोड़ा इनको आराम होगा तो मैं वीडियो कल ज़रूर बनाकर भेजूँगी, और नहीं तो देखते हैं दोस्तों जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ अंजलि बैठी हुई हैं, खिलौना ली है। तो दोस्तों पहले बुखार अंजलि शीतल गुंजन को हुआ था, पहले शुरू हुआ था जुखाम से, जुखाम हुआ अचानक सबको, जकड़न सर दर्द यही सब शुरू हुआ, फिर बुखार हुआ। तो तीनों का तो बुखार दवा से ठीक हो गया, वैसे टम्पा वाली दवा जो होता है छोटे डॉक्टर से कराने से ठीक हो गया, लेकिन चंदन का ठीक नहीं हुआ है, तो इसीलिए जी घबरा रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो भैया दीदी को ये वीडियो हमारा ना अच्छा लगे तो इसके लिए माफ़ करना, मैं इसीलिए बताई, दो बार बताई कि मैं इसीलिए वीडियो डाल रही हूँ ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मामा नमस्ते। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।